सो वेलकम गाइस टू माई चैनल वन सेकेंड। तो कल मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कल मेरा घर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया था, तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आज भी अपलोड करूँगा। तो आज का जो वीडियो कल बनेगा और कल का जो वीडियो परसों बनेगा, तो एक दिन का मतलब वीडियो उसका जो शेड्यूल था वो डिले हो गया। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस पाँच मतलब मिलिट्री बेस का सीक्रेट प्लेस विच नो वन नोस। तो शुरू करते हम लोग का पहला प्लेस से, सो लेट्स गेट मूव। प्लेस बता देता हूँ जो हम लोग का मिलिट्री बेस का राइट कॉर्नर में होता है एक घर, इसमें आ जाना आपको सिंपली। तो मैं लूट नहीं किया था इसलिए मैं लूट ले रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ म्यूज़िक सिस्टम जैसा कुछ बना हुआ है, तो अगर बीच से आप ट्राई करते चढ़ने तो आप नहीं चढ़ पाओगे। तो यहाँ से कैसे ना चढ़े तो उस मतलब थोड़ा सा राइट जाके उतर के थोड़ा सा राइट जाके तो यहाँ से आप चढ़ सकते हैं इजिली। जस्ट यहाँ से थोड़ा सा कोशिश करें आप घूम गए से आप चढ़ जाओगे। यहाँ से आप इजिली कोई भी मतलब अगर आपका ऊपर स्क्वाड रस हो रहा है तो आप इजीली यहाँ से सबको डाउन कर सकते हो और हर एंगल से आप शूट कर सकते हो। ये नहीं कि एंगल से नहीं कर पाओगे, हर एंगल से आप शूट कर पाओगे। तो ये एक बेस्ट प्लेस है गाइस। तो मैं चलो आपको नेक्स्ट प्लेस बता देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट प्लेस आप ये जो मतलब मिलिट्री बेस का मेन ऑफिस है, यहाँ आपको आ जाना है सिंपली। तो यहाँ बैंडेज उठा लेता हूँ। अभी जो ये वाला जो कुछ मैकेनिज्म दिख रहा है तो यहाँ पर आपको चढ़ना पड़ेगा। अगर आप इधर से सिंपली चढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो मैं पहले देख ले रहा हूँ कि कहाँ से चढ़ सकेंगे आप। तो यहाँ से आप सिंपली चढ़े, यहाँ से आप ट्राई करते रहना पड़ेगा कम से कम, तो आप इजीली चढ़ पाओगे। तो यहाँ मैं काफ़ी बार ट्राई कर रहा था एंड फाइनली से गाइस बूम। तो फाइनली मैं यहाँ चढ़ चुका हूँ। तो यहाँ से आप सिंपली हर कहीं से भी अगर आए खिड़की डोर कहीं से भी आप यहाँ से इजीली नॉकडाउन शुरू कर सकते हो। पूरा का स्क्वाड को आप वाइप कर सकते हो इजीली गाइस। सो यहाँ सब थोड़ा सा आपको यहाँ बैलेंस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, अगर आप यहाँ से मतलब दौड़ते हो तो थोड़ा सा बैलेंसली दौड़ो। तो गाइस बूम। तो ये था मतलब अपना सेकंड प्लेस जो कि काफ़ी ओपी है गाइस। कोई आपको नहीं मार के कर सकते यहाँ, एक्चुअली आपको कोई यहाँ देख ही नहीं सकता। ऊपर से लग रहा है कि आपको देख लेगा कोई, लेकिन ज़्यादातर बंदों का आइस नीचे हो सकता है। देखिए आप कितना ऊपर थे। तो गाइस मैं पहले जल्दी जल्द आपको थर्ड प्लेस बता देता हूँ। सो है गाइस अपना जो थर्ड प्लेस है वो है ये बुशेस जो कि सी बिल्डिंग का बीच बीच में बैठा है, मतलब है उगा है, पता नहीं कैसे यहाँ हुआ है। ये बुशेस काफ़ी ओपी है गाइस। देखिए हर तरफ से मैं कवर हो चुका हूँ। यहाँ आप इजीली रिवाइव अपना बूस्टअप और छुप भी सकते हैं। तो यहाँ मेरे को मेरा बॉट आ गया था, तो बॉट तो जैसे कहीं भी रहो तो मार देगा वो, लेकिन बॉट इतना हराम ही है ना। चलो बॉट को मैं किल कर दिया। तो ये तो थी बॉट और गाइस रियल बंदे यहाँ आपको देख ही नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब हर तरफ से आप कवर हो जाते हो यहाँ पर। अगर अपना बंदा अगर आपका टीममेट यहाँ वो हो जाता है मतलब नॉकआउट हो जाता है, आप यहाँ इजीली उसको रिवाइव कर सकते हो। तो चलिए अब गाइस मैं आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ, मतलब नंबर फोर प्लेस। सो गाइस जो हमारा नंबर फोर है उसी बिल्डिंग का टेरेस पे है, छत पे। तो आपको यहाँ से मैं जो कर रहा हूँ सिंपली आपको आ जाना है इधर इस तरह। तो जैसे आप यहाँ पहुँच जाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं एक मतलब एंगल जैसा लोहा जैसा मतलब एक आयरन रॉड वहाँ मतलब निकला हुआ है, वहाँ सिंपली जंप कर सकते हैं। तो इस मिशन में हम फेल हो चुके थे, तो आप ट्राई करें आप यहाँ ज़रूर कामयाब होंगे जो ये वाला। तो गाइस मैं गिर गया ऊपर से, और एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा हेल्थ करके। तो मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ जो एक आयरन रॉड है वहाँ पर। चलिए मैं पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो गाइस ये वॉइस ओवर है, उतना तो रियल एक्ट नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा रियल फील देने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या कैसे हो रहा है, ये वॉइस ओवर है। जैसे मैं स्कारेल भी उठा लेता हूँ क्योंकि मिनी फोटो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। और तो गाइस मैं और एक बार ट्राई कर लेता हूँ यहाँ से जस्ट जंप करके। यहाँ पर जो आपको रॉड दिख रहा है आयरन रॉड उसका पीछे में, तो वहाँ पर आप सिंपली जंप कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला आयरन रॉड है गाइस यार नहीं, इसके नीचे भी और एक आयरन रॉड है वहाँ पर, उसके बात कर रहा हूँ मैं नीचे गाइस जो अभी देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर गिर जाता हूँ, देखिए और एक बार गिर गया। तो मैं और ट्राई नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट यहाँ से दिखा दूँगा अगर विजिबल हो तो। तो गाइस यहाँ पर विजिबल है जो ये नीचे वाला जो आयरन रॉड है, इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं और हर एंगल का शॉट ले सकते हो। ये वाला गाइस जो भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस इसमें तो हम दिखा नहीं पाए, तो आपको दिखा देता हूँ मैं लास्ट एंड नंबर फिफ्थ प्लेस ऑफ मिलिट्री बेस। सो गाइस ये रहा टावर, ये हम लोग का लास्ट प्लेस है। तो ये तो आप सोच रहे होंगे टावर में तो कौन मतलब क्या सीक्रेट प्लेस है। तो मैं आपको पहले गाइस बता दूं कि पूरा वीडियो देखें तो सिंपली टावर में नहीं, आपको यहाँ सिंपली ये जो एंगल है इसमें चढ़ना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ से मैं सिंपली जंप करता हूँ, पहले बूस्ट कर लेता हूँ खुद को। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ से जो आयरन रॉड इसमें जंप करना पड़ेगा, अगर जंप कर लेते हो तो आप हो जाता हूँ। मैं नेक्स्ट नहीं किया किया नहीं हुआ, पर कोई नहीं, और एक बार ट्राई कर लेता हूँ, एक बार शायद हो जाऊँ। तो जंप कर लो यहाँ से सिंपली, आप ऊपर जंप ना करें दोस्त मतलब फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा नीचे जंप करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हुआ है। तो जंप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके आप वहाँ से सिंपली मोटा वाला इसमें आप जंप कर सकते हैं। तो देखिएगा इस बूम, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मतलब हर तरह, मतलब कोई आपको यहाँ देख भी नहीं सकता, आप यहाँ पर प्रोन होकर भी बिंदास मतलब फाइट कर ले सकते हैं इजीली, कोई आपको देख नहीं सकते। अगर यहाँ से कोई चढ़ने की कोशिश करे सीढ़ी से, आप यहाँ से भी आप शूट कर सकते हो। तो मतलब ये काफ़ी ओपी वाला प्लेस है गाइस। सो ओके गाइस, ये रहा मेरा 5 सीक्रेट प्लेस ऑफ मिलिट्री बेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें आपका ओपिनियन, और आप ये सब प्लेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो तो कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू एंड हेल्प मी टू ग्रो मोर क्विकर एंड मोर फास्टर। एंड प्लीज़ शेयर द गाइस, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लेट योर फ्रेंड्स नो ऑल्सो दिस अबाउट दिस ट्रिक एंड ऑल थिंग्स। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, लव यू, टेक केयर, माशाल्लाह, एवरीथिंग।